नमस्कार दोस्तों, तो कंपटीशन एकेडमी के इस नए प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ मुझे हिंदी पढ़ाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। आप सभी को मैं हिंदी के साथ लेकर के चलूंगा। तो हिंदी CGPSC में कितना महत्वपूर्ण है, बात हमको पता ही है। CSET में हिंदी कई लोग हिंदी की वजह से ही CSET निकल पाता है, जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं होते उनका तो और भी ज्यादा है ना। दूसरी चीज है कि जो मेन्स है उसमें तो 100 नंबर का ऐसे 100 नंबर का दिया हुआ है, तो 100 नंबर को लेकर के चलता है, इसलिए काफी ज्यादा वेटेज इसका है हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी को लेकर के जो शुरुआत होती है बातें, वो कहां से होती है? भाषा के बोध से लेकर के होती है। भाषा का बोध, तो यहां पर हम इसको कह सकते हैं भाषा बोध से हम क्या करेंगे, इसको शुरू करेंगे। तो भाषा बोध में हम क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले जो भाषा बोध है उसमें वर्ण देखते हैं, वर्ण से फिर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, शब्द से फिर क्या बनता है, पद बनता है, और पद से फिर वाक्य बनते हैं। ठीक है, ये चार चीजों को हम बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वर्ण देखेंगे। तो वर्ण होता क्या है? तो देखो, वर्ण का मतलब है वो प्रारंभिक ध्वनि, है ना, वो प्रारंभिक ध्वनि जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, जिसका प्रयोग हम वाक्य के निर्माण के लिए करेंगे। ठीक, तो वाक्य तो बहुत दूर की बात होगी, अब इसका प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, शब्द के निर्माण के लिए, पद के निर्माण के लिए, फिर वाक्य के निर्माण के लिए। तो इसका मतलब प्रारंभिक ध्वनि। दूसरा मैं कहूं तब भी चल जाएगा कि वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह जो छोटी से छोटी ध्वनि है, ठीक है, जिसको और अधिक हम क्या नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, विभाजित नहीं कर सकते, वह छोटी से छोटी ध्वनि क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाएगी। ठीक बात है, या इसको वर्ण के लिए एक और शब्द है, बढ़िया शब्द है, वो आप देख लो, वो शब्द है अक्षर। अक्षर का मतलब होता है अ, धन, शर। शर का मतलब होता है विनाश, और यहाँ पर अ का मतलब होता है नहीं, तो इसका मतलब है जिसका विनाश संभव नहीं वो ध्वनि क्या कहलाती है, अक्षर कहलाती है। तो ये हुआ अक्षर का अर्थ। उदाहरण हम देख लेते हैं, उदाहरण का मतलब है क, ख, ग, घ। ठीक है, ये क्या है, इसके उदाहरण है, बहुत बेहतर उदाहरण। क्लियर बात है? तो यहाँ पर वर्ण आपको समझ में आएगा कि वर्ण क्या है, वो प्रारंभिक ध्वनि है, वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसका विभाजन और अधिक नहीं किया जा सकता, या जो क्षर नहीं है यानी अक्षर है वही क्या है, वर्ण है। क्लियर बात है, ये छोटा सा। इसके बाद हम आ जाते हैं शब्द। ठीक है, शब्द क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। तो ये जो ध्वनि है ना, ये ध्वनियों का समूह, जो ध्वनियों का समूह है, ठीक है, विभिन्न ध्वनियों से मिलाकर के जब हम बनाते हैं तो ध्वनियों का जो समूह है वो समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। लेकिन हम शब्द बस लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्वनि की जो सार्थकता है, ये सार्थकता ही क्या करती है, इसे शब्द बनाती है। क्या बात है, ध्वनि की जो सार्थकता है वो उसे क्या करती है, शब्द बनाती है। ठीक है, यहाँ पर ध्वनि का समूह या ध्वनि की सार्थकता से जो निर्मित है उसका नाम क्या है, उसका नाम है शब्द। क्लियर बात है? ठीक है, यहाँ पर से ठीक है, तो यहाँ पर निश्चित शब्द समूह चाहिए, निश्चित ध्वनि समूह चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, शब्द कह सकेंगे। जैसे कि यहाँ पर से र है, आ को मिला दिया, पर म को मिला दिया और आ को मिला दिया, तो टोटल मिलाने पर क्या बन जाएगा, राम। ठीक है, र आ म आ, इसको मिलाने पर ये चार ध्वनियों को हमने मिलाया, तब जाकर के क्या बात बनी, शब्द एक बना जिसको हमने कहा राम। ठीक, इसके बाद फिर हम आ जाएंगे पद पर आ जाएंगे। ठीक है, तो पद क्या होते हैं इसको हम समझे, तो पद क्या होगा, ये शब्दों का ही समूह होगा, ये शब्दों का ही समूह होगा, दो या दो से अधिक जो शब्द हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। ठीक बात है, शब्दों को व्याकरण के नियम अनुसार प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर से जब हम क्या करते हैं, शब्दों का प्रयोग, है ना, शब्दों का प्रयोग जब हम कैसे करते हैं, व्याकरण के नियमों के अनुसार करते हैं, व्याकरण के नियमों के अनुसार, व्याकरण के नियमों के अनुसार जब हम इसका प्रयोग करते हैं तभी क्या कहलाता है, पद कहलाता है। जब भी हम किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमों के अनुसार करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पद। ठीक है, वो कहलाएगा पद। इसके बाद फिर जो बात आती है वो आती है वाक्य को लेकर, जो बात आती है कि वाक्य क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो, अब यहाँ पद है, तो पद में क्या होगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, है ना, पदों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं।
दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया वाक्य। जैसे राम आम खाता है, एक वाक्य है ना, तो दो या दो से अधिक वाक्यों के समूह को हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। ठीक, दो या दो से अधिक पदों के समूह को वाक्य कहेंगे। क्लियर बात है? ठीक, तो ये तो चलिए दोस्तों अब भाषा को देखते हैं कि भाषा क्या होती है। ठीक है, तो भाषा को जरा देखें हम। भाषा, तो भाषा जो है वो एक संस्कृत की धातु है, इससे बना हुआ है। ठीक है, संस्कृत धातु, तो संस्कृत धातु कौन सी है, तो संस्कृत धातु है जिसका नाम है भाष। ठीक है, भाष इस धातु से बना हुआ है भाषा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, अगर अर्थ को हम देखना है तो हमको क्या करना होगा, एक उक्ति देखते हैं, भाष व्यक्तम वाची, भाष व्यक्तम वाची। इसका मतलब क्या हो गया, भाष व्यक्तम वाची का, जो भाषा के द्वारा, जो वाणी के द्वारा व्यक्त होता है, जो वाणी के द्वारा व्यक्त होता है, द्वारा व्यक्त होता है वही भाषा है, जो वाणी के द्वारा व्यक्त होता है वही भाषा है, है ना, जो वाणी के द्वारा व्यक्त होता है वही क्या है, भाषा है। तो भाषा की हमने परिभाषाएं देख ली, ठीक है, कि भाषा क्या होता है। लेकिन एक्चुअल में जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने कहा है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बाबूराम सक्सेना, इनकी जो परिभाषा है वो सबसे सार्थक लगती है, हो सकता है इसी कारण ACF ने इसको पूछा हो, ACF ने इसमें डाला हुआ था। तो यहाँ पर डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का क्या कहना है, इनका कहना है कि जिन ध्वनि वर्णों का प्रयोग है ना, विचार विनिमय की समष्टि के लिए किया जाता है, विचार विनिमय की समष्टि के रूप में किया जाता है ना, के रूप में किया जाता है, वह क्या है, भाषा है, किया जाता है वह क्या है, भाषा है। तो इस बात को हम समझ ले, दिन विचार ध्वनियों को, अभी हमने देखा वर्ण, तो जिन वर्णों का प्रयोग मैं किसके लिए करता हूँ, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए करता हूँ, उन विचारों के आदान प्रदान के लिए की जाने वाली ध्वनियों का प्रयोग क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। क्लियर बात है? तो इस तरीके से भाषा को लेकर के दो बातें आपको पता हो, एक तो भाषा जो है वो भाष नामक संस्कृत धातु से बना हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है जो वाणी के द्वारा व्यक्त है वो भाषा है। इसके अलावा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने जो बात कही कि विचार विनिमय के जो जिन ध्वनियों पर प्रयोग किया जाता है वो कहलाती है भाषा। ठीक है, तो भाषा को लेकर के है ना हम क्या करते हैं, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को हम देखते हैं, भाषा को लेकर के इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं भाषा की। ठीक है, तो भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, इसको जरा ध्यान से देखें। विशेषता, तो भाषा की प्रमुख विशेषता में सबसे पहला क्या जाएगा, तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर क्या होते हैं, ध्वनि संकेत होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ण का क्या होगा, अपनी ध्वनि है, इसलिए इसके क्या होते हैं, ध्वनि संकेत होते हैं। दूसरा ये भी समझ लो, ये भी सेम टाइप लगेगा लेकिन अलग अलग, ध्वनि संकेत क्या होते हैं, इसमें से अलग अलग होते हैं, जो ध्वनि संकेत होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग। जैसे अब हमारे यहाँ ठेंगा दिखाना, अब ठेंगा दिखाना बोलेंगे तो कोई गाली दे देगा या मारपीट देगा, ठेंगा दिखाना अजीब लगेगा, लेकिन आज क्या हो गया, वही अंग्रेजी का लाइक बन गया है, ठेंगा ऐसा करेंगे तो लाइक बोल देंगे, लेकिन पहले होता तो मारपीट ही हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, ध्वनि संकेत भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग देश में अलग अलग जगह में अलग अलग लेवल पर होगा। तो देखो, समाज के स्तर पर और वर्ग के स्तर पर, इन स्तरों पर क्या होता है, प्रत्येक ध्वनि का संकेत क्या होता है, अलग अलग होगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रत्येक भाषा है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, किस स्तर पर, प्रत्येक समाज और वर्ग के स्तर पर अलग अलग होगी। ठीक है, जैसे लाइक यहाँ पर अंग्रेजी का है तो क्या होगा, यूरोप में अमेरिका में चलने वाले ये संकेत बिल्कुल अलग होगा, और यहाँ पर क्या होगा, समाज और वर्ग जो है उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। जैसे भारत का समाज है तो भारत का समाज मान लो उत्तर भारत का, तो उत्तर अमेरिका का अलग दिखाई दे देगा, दक्षिण भारत का तो दक्षिण अमेरिका का अलग अलग दिखाई दे देगा। तो यहाँ पर समाज और वर्ग अलग अलग दिखाई देंगे। भारत का जो वर्ग है, जैसे मैं कहता हूँ कि गरीब वर्ग, वो अलग तरीके की भाषा संकेत इस्तेमाल करता है, अमीर वर्ग अलग तरीके की भाषा संकेत इस्तेमाल करता है। बात समझ में आ रही है? चौथे बात जो हमको समझना है, इसका उच्चारण कैसे होता है। तो उच्चारण ऐसा लगता है कि इसमें हमको लगता है कि वाणी से बस उच्चारण होता है, नहीं, वाणी से बस तो होता नहीं, वाणी के अलावा किससे होता है, देह से भी होता है, देह या शरीर के जो अवयव है, शरीर के अवयव, ये शरीर के अवयव क्या, तो मेरे हाथ से भी कुछ ना कुछ व्यक्त होता है,
ठीक बात है, मेरा मुंडी हिलाने से भी कुछ व्यक्त होता है, मेरे बैठ जाने से भी कुछ व्यक्त होता है। तो हर चीजों में क्या है, उच्चारण वाणी के स्तर पर बस नहीं होता, बल्कि देह या शरीर के स्तर पर भी ऐसा होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका विकास कैसे हुआ वो भी हम देख लें। इस पे इसका जो विकास हुआ है ना, वो स्वाभाविक रूप में ध्वनि पहचानने के कारण, स्वाभाविक ध्वनि पहचानने से इसका विकास हुआ है। स्वाभाविक ध्वनि पहचानने से क्या हुआ है, इसका विकास हुआ है कि हमने ध्वनि को पहचानने की आदत बनाई थी, शुरू से ही आदत बनाई है, उस विकास के कारण क्या हुआ, ध्वनि पहचानने के विकास के कारण विकास हुआ किसका, भाषा का। ठीक, तो ये क्या हो गई, पांच तरह की इसकी विशेषताएं होगी जो हमने देखा। लेकिन ये विशेषताएं किसके आधार पर मैंने बताई है, ये विशेषताएं जो अभी हमने भाषा का अर्थ देखा कि है ना, कि भाष से बना हुआ है, डॉक्टर सक्सेना का हमने देखा। ठीक, तो इसके आधार पर मैंने बताई। अब जो है महत्वपूर्ण विशेषताएं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी वो ले लेते हैं, भाषा की विशेषताएं। अब भाषा की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिनको हमको डिटेल से देखना है। ठीक है, तो प्रत्येक भाषा का जो संबंध होता है वो किससे होगा, मनुष्य से संबंध होता है। प्रत्येक भाषा का जो संबंध होगा वो मनुष्य से ही होगा और किसी से नहीं होगा। ठीक बात है। दूसरा यहाँ पर है, दूसरा जो हमको समझना है कि प्रत्येक भाषा का क्या होता है, अपना एक सीमित क्षेत्र होता है। ठीक है, ये बात भी समझ लेनी है, इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि हम कहते हैं छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ी का एक सीमा है, लेकिन बिलासपुर छत्तीसगढ़ी बोलूँ तो बिलासपुर के लेवल पर अलग तरह की छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। आप खरसिया चले जाओ, अलग टाइप की छत्तीसगढ़ी आपको मिल जाएगी। रायगढ़ चले जाओगे, थोड़ा अलग टाइप की मिल जाएगी। ठीक बात है। सरगुजा चले जाओ, बिल्कुल अलग टाइप की थोड़ी मिलेगी। तो होता क्या है, सभी का एक अपना सीमित क्षेत्र होता है प्रत्येक भाषा का। ठीक है, इसके अलावा इसमें से कुछ गुण और देख लेते हैं। तीसरा, इसमें से प्रत्येक भाषा में क्या होती है, परिवर्तनशीलता होती है। तो प्रत्येक भाषा एक स्तर पर नहीं बनी रहेगी, लगातार बदलती चली आ जाएगी। जैसे हमारी भाषा हिंदी बदलती कैसे आई, संस्कृत से बदलाव होते 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 आज इस रूप में हमको दिखाई देती है। तो प्रत्येक भाषा कैसी होती है, परिवर्तनशीलता के गुण को लिए हुए होती है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमको ध्यान में रखना है कि प्रत्येक भाषा, अभी जो हमने देखा तो वही बात है, ध्वनिमय होती है। किसी भी तरीके से ध्वनि के स्तर पर ही वो क्या करेगी, चलेगी। एक ध्वनि, दो ध्वनि, तीन ध्वनि, चार ध्वनि, इस तरीके से उनको जोड़ने के बाद वो चलती रहती है। तो ध्वनिमय होगी तभी वो भाषा कहलाएगी। इसके अलावा देखो, ध्वनिमय के अलावा सांस्कृतिक विकास, जो भाषा है ठीक है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो क्या करता है, संस्कृति का विकास करता है। अब ये बात हमको आज नहीं समझ में आती है, हमारी भाषा ज़्यादा हम अंग्रेजी का उपयोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये हमारे लिए तकलीफ वाली बात है। क्यों, क्योंकि होगा क्या, एक टाइम बाद भारतीय संस्कृति का पतन होना शुरू हो जाएगा। और ये हो भी रहा है, देखने को भी मिलता है ना। जैसे मुकेश है तो उसका नाम माइक कर दिया, ठीक है। तो हमारा हिंदी का जो शब्द है वो क्या हो गया, धीरे धीरे इस जो सांस्कृतिक विकास करने की क्षमता थी हिंदी की, वो कम होती जा रही है। लेकिन ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हमने हिंदी का प्रयोग ही क्या कर दिया है, कम कर दिया, इसलिए सांस्कृतिक विकास इसका घट रहा है। इसके अलावा दो बातें और समझ लें इसमें से। छठी बात है कि प्रत्येक भाषा के पास होती है प्रतीकात्मकता। प्रत्येक भाषा के पास प्रतीकात्मकता होती है, ठीक है, प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता का मतलब होता है कि प्रत्येक भाषा क्या करती है, अपने साथ एक प्रतीक को लेकर के चलती है, एक तरह के सिंबल को लेकर के चलती है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर, जैसे हिंदू, तो हिंदू को अगर मेरे को सिंबल से दिखाना होगा तो ऐसे दिखाऊंगा। क्रिश्चियनिटी कहूँगा तो सिंबल से दिखाना होगा तो मैं ऐसे दिखाऊंगा। ठीक बात है। तो इसमें होता क्या है, जैसे अब हमने हिंदी लिखा है तो हिंदी का क्या है, अलग अलग शब्द है। ठीक बात है, ये माँ है, ये पा है, ये भा है, ये क्या है, प्रतीक है, जिसको पहले से निर्धारित कर दिया गया। तो प्रतीकात्मकता हमेशा हर भाषा में पाई जाती है। सातवीं इसकी विशेषता है वो देख लेते हैं। भाषा क्या होती है, सरल होती है, सरल व प्रौढ़ होती है, प्रौढ़। ठीक बात है। तो जो भाषा बोले जाने वाली होती है, देखना हमेशा लोग सरल भाषा का प्रयोग करते हैं कि सामने वाले को समझ में आए, अपना झंझट टूटे। और दूसरा प्रौढ़ होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि लंबे टाइम तक की भाषा जब उपयोग में आ जाती है तो धीरे धीरे वो स्टैंडर्ड हासिल कर लेती है, जिसको उपभाषा भी कहते हैं। अभी मैं उस पर आऊँगा कि उपभाषा क्या होती है। ठीक है, जैसे बोली है तो बोली से क्या बनता है, उपभाषा।
जैसे बोली रही होगी, ढेर सारी छोटी छोटी बोलियाँ, ठीक है, उपभाषा विकसित हुई, ठीक है। अब जैसे उल्टा देखो, इसका विकास उल्टा भी देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे संस्कृत है, तो संस्कृत टूटते टूटते खड़ी बोली में आई, उपभ्रंश में आई, इसके बाद फिर उपभाषा के स्तर पर आई, तो क्षेत्रीय लेवल पर अवधि ब्रिज वगैरह में तब्दील हो गई, और वो बाद में छोटे छोटे क्षेत्र में जब फैली तो छत्तीसगढ़ी वगैरह टाइप की छोटी छोटी बोलियों में तब्दील हो गई। तो होता क्या है, प्रत्येक भाषा सरलता को हासिल करना चाह रही है। जैसे संस्कृत है, कठिन थी, कठिन से धीरे 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 पाली प्राकृत अपभ्रंश करते हुए छोटी होती होती आई, तो ये क्या करती है, प्रौढ़ता से सरलता की तरफ बढ़ती है। लेकिन इसका इतनी ही सच्ची बात यह भी है कि प्रत्येक भाषा सरलता से प्रौढ़ता की तरफ भी जा सकती है, ठीक बात है। तो ये सात जो विशेषताएँ हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, याद में रखना है, तभी आपसे क्या होगा, ये बनेगा। तो हम आगे आते हैं, भाषा के लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है, भाषा के लक्षण, ठीक है। तो भाषा का जो लक्षण है वो हम देख लेते हैं। तो भाषा के लक्षण को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे इसमें सबसे पहला जो इसकी विशेषता है, अंतर व्यक्तित्व, अंतरवलिकता होती है, अंतरवलिकता का मतलब यह हुआ कि एक भाषा जो है अपने साथ क्या करती है, अनेक अर्थों को लेकर के चल रही होती है। अंतरवलिक, वलिक मतलब होता है वलयता, वलयता मतलब गोल गोल घूमना। एक स्तर की हमने भाषा उपयोग करी तो क्या करेगी, दो तीन चार पाँच छः स्तर पर वो घूमेगी, अंतरवलिकता होती है इसमें। इसके बाद यादृच्छिकता और सृजनात्मकता होती है, दूसरा देख लो, यादृच्छिकता है ना, और यहाँ पर यादृच्छिकता, और तीसरा क्या होती है यहाँ पर, स्वतंत्रता भी होती है। प्रत्येक भाषा क्या होती है, अपने स्वतंत्र दृष्टि की ओर, अपने स्वतंत्र दिशा की ओर क्या करती है, दृष्टिगत करती है, उधर ही आगे बढ़ती चली जाती है, और कैसी जाती है, अपने मन के अनुसार जैसा लगता है सरलता से उधर उसकी तरफ वो बढ़ती चली जाती है। तो ये क्या है, इसका सृजनात्मकता है। इसके अलावा देखें इसमें दो तीन शब्द, एक शब्द है विविधता, ये थोड़ा सा अजीब सा शब्द होता है विविधता, ठीक है, विविधता। विविधता का मतलब क्या है, कई पुस्तकों में दोनों लिखते हैं विविधता, ऐसा विविधता ये वर्ड है इसका, ठीक है, विविधता। विविधता का मतलब आप सुनने में अजीब लगता है लेकिन बहुत ईजी है। देखो विविधता का मतलब सिंपल है विभिन्नता, सिंपल क्या है, विभिन्नता। विविधता मतलब विभिन्नता, अनेक स्तर पर क्या हो सकती है, भाषा चल सकती है, ठीक बात है। एक ही भाषा का प्रयोग मैं विज्ञान के क्षेत्र में भी करता हूँ, मैं उसका क्या करता हूँ, गणित के क्षेत्र में भी उसका उपयोग करता हूँ, ठीक बात है। इसके अलावा मैं उसको विज्ञान के विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भी उपयोग कर सकता हूँ, ठीक बात है। तो ये क्या है, ये इस, या मैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उपयोग कर सकता हूँ, समाज के क्षेत्र में उपयोग कर सकता हूँ, ये सब क्या है, विविधता है, ठीक है, या विविधता है। इसके बाद फिर इसके बाद हम देखें इसकी, प्रत्येक भाषा की क्या होती है, एक अपनी संरचना होती है, ठीक बात है, एक अपनी क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अनुसार वो चलता है। जैसे कि हिंदी भाषा का अपना स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसका स्ट्रक्चर या फॉर्म क्या है, कर्म बीच में आएगा, सबसे बड़ी विशेषता। लेकिन कर्ता पहले आता है कि क्रिया आता है, तो कर्ता पहले आएगा फिर कर्म आता है और फिर आखिरी में क्रिया आती है, ये क्या है इसका, ये इसका स्वरूप संरचना है ना, ठीक है, ये हो गई संरचना। एक दो और लक्षण कुछ है महत्वपूर्ण वाले लक्षण, तो एक देखो मौखिक और श्रव्य, ये छोटा सा लक्षण हम देख लेते हैं छठवा वाला। एक तो क्या होती है, ये मौखिक होती है और क्या होती है, श्रव्य होती है। श्रव्य मतलब सुनने में भी आती है और बोलने में भी आती है, सुन भी सकता हूँ उसको मैं, बोल भी सकता हूँ, है ना, यानी मौखिक भी होती है और श्रवण के योग्य भी होती है, दोनों स्तरों पर भाषा पहचानी जाती है। ये छह प्रकार के क्या हुए, इसके लक्षण हुए भाषा के। ठीक बात है, तो ये हम आ गए लक्षण पे, अब हम क्या करेंगे, बोलियों को देखते हैं, ठीक है। अब भाषा को देखने के बाद हम देखते हैं बोलियां, ठीक है, तो बोलियां क्या होती हैं, बोलियों की क्या, कुछ चीज़ों को समझना है तो पहले समझना होगा कि बोलियां हमेशा कैसी होती हैं, केवल और केवल मौखिक होती हैं, केवल और केवल मौखिक होगी, इसमें कोई भी तरह के लिखित वाला फॉर्म नहीं होगा। अब लिखित फॉर्म नहीं है मतलब यहाँ पर लिपि नहीं होती, ये बात भी है, मौखिक है लिपि नहीं होती, ठीक बात है, ये हो गया।
ठीक, तो मौखिक नहीं और लिपि नहीं, दो विशेषता होगी। इसके अलावा इसके क्या बात है, हमेशा एक ऐसी होती है क्षेत्रीय स्तर पर होती है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कभी भी नहीं होती, तो उसको हम क्या कहते हैं, बोलियां कहते हैं। ठीक बात है, ये बोलियों के संबंध में कुछ बातें हमने कह दी। भारत में कुल बोलियों की संख्या कितनी है, भारत में कुल बोलियों की जो संख्या है वो 650 है। टोटल जो वर्तमान में बोलियां बोली जाती हैं उसकी संख्या है टोटल 650। ये आपको याद में रखना है बोलियों के संबंध में। ठीक, तो बोलियों के संबंध में महत्वपूर्ण बातें हमने देखी। इसके अलावा बोलियों का कैसे विकास हुआ वो हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो इसके तीन लेवल हैं। सबसे पहला जो लेवल होगा वो पहले क्या होती थी, एक भाषा होती थी। तो भाषा जैसे कि हमने कह दिया संस्कृत, तो संस्कृत से नीचे की ओर क्या हुआ, इसका विकास हुआ। संस्कृत से जब नीचे की तरफ हम जाएंगे तो क्या हुआ, उपभाषाएं बनने लग गई। तो उपभाषा क्या हुई, क्षेत्रीय स्वरूप जो थे उन्होंने भी एक स्वतंत्र रूप में क्या कर लिया, भाषा का स्वरूप धारण कर लिया। जैसे कि ब्रज भाषा है ना, अवधी भाषा है, ठीक है, भोजपुरी भाषा है, ठीक है, ये सब जो भाषाएं है, कैसी हैं, उपभाषा कहलाती हैं। इसके अलावा इसके नीचे जो भाषा है वो कहलाती है बोली। जब क्षेत्रीय स्तर पर क्या होगा, इनमें विभिन्नताएं आ जाएंगी, अलग अलग तरीके से बोली जाएंगी। जैसे कि ब्रज भाषा मथुरा में अलग तरीके से बोली जाती है, मथुरा के अलग अलग आसपास के जो गांव हैं उनमें थोड़ी सी गहरे स्तर की ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग स्तर पर बोली का विकास दिखाई देता है, लेकिन निम्न स्तर पर ही दिखाई देगा, किसी महत्वपूर्ण भाषा से निकल करके नीचे नीचे इसका विकास होता है बोली का। ठीक, तो समझो इसको, बोली और भाषा में क्या अंतर है, कुछ नहीं रखा, बहुत ईजी है। देखो इसमें से यहाँ पर हम लिख देते हैं बोली और यहाँ पर हमने लिख दिया भाषा, और दोनों के बीच में क्या अंतर है इसको देखो। तो अंतर का हमने क्या कर दिया, आधार ले लिया। यहाँ पर पहले मैं ले लेता हूँ व्याकरण, तो व्याकरण का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, जबकि भाषा में व्याकरण का प्रयोग किया ही जाता है। ठीक बात है, लिपि, तो लिपि आवश्यक है कि नहीं है कोई पता नहीं, ठीक है, नहीं हो तब भी चलती है, लेकिन यहाँ पर लिपि आवश्यक होती है। इसमें नियम होते हैं या नहीं होते, बिल्कुल नियम यहाँ पर संचालित नहीं होते, यहाँ पर नियम संचालित होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, विस्तार को लेकर के देखेंगे तो विस्तार क्या होगा, यहाँ पर बोली में विस्तार कम पाया जाता है, ठीक बात, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, विस्तार अधिक रूप में पाया जाएगा भाषा में। ठीक है, ये क्षेत्रीय विस्तार की बात कर रहा है। जैसे कि हम कहते हैं हिंदी, तो हिंदी का विस्तार पूरी दुनिया में है ना, पूरी दुनिया में बोली जाती है हिंदी, लेकिन बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में कहेंगे तो भारत में ही बोली जाती है। ये क्या है, भाषा और बोली के बीच में अंतर है। ठीक है, बहुत ईजी है, आपको समझ में आया होगा। तो आगे मैं समझ रहा हूँ, इसके बाद आगे का देखते हैं क्या चीज़ समझना है। तो आगे हमको जो देखना है वो है खड़ी बोली, ये इसके संबंध में मुझे बात करनी है, खड़ी बोली। ठीक है, ये इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं ताकि खड़ी बोली होती क्या हमको समझ में आ जाए। तो देखो हुआ क्या था, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, ठीक है, तो कौरव का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो बोली प्रसिद्ध थी उस कौरवी बोली को ही खड़ी बोली बाद में कहा गया। तो इसका मतलब है कि जो मूल नाम है इस बोली का वो क्या है, वो बोली है कौरवी बोली। ठीक है, कौरवी बोली, ये जो कौरवी बोली थी बाद में क्या हुआ, इसका जो विकास हुआ, ठीक है, तो विकास किस क्षेत्र में हुआ था, तो विकास जो है ये हमको याद में है, तो कुरु यहाँ पर महाजनपद हुआ करता था, कुरु महाजनपद, इस क्षेत्र में इसका विकास हुआ। तो कुरु जनपद में जब इसका विकास हुआ, आगे चल करके कुरु किस क्षेत्र में आता है, मेरठ क्षेत्र में, और कहना चाहिए दिल्ली का आसपास का जो क्षेत्र है पूरा का पूरा पानीपत वाला क्षेत्र है, ये पूरा कुरु महाजनपद का क्षेत्र हुआ करता था। इसी क्षेत्र में इस कौरवी बोली को विकसित किया गया, या विकसित होती रही कहना चाहिए, तब भी ठीक है। अब दिल्ली के टाइम तक के हम आ गए, तो यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम याद करो, इतिहास में पढ़ते हैं हम, वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने क्या किया, इसको ये जो खड़ी बोली चल रही थी इसको बिल्कुल उन्होंने साहित्यिक आकार देना शुरू कर दिया, और कुछ महत्वपूर्ण साहित्यों की उन्होंने रचना की, और धीरे धीरे खड़ी बोली का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ने लग गया। ठीक है, तो ये अमीर खुसरो ने क्या किया, इसका विकास का इस व्यक्ति को श्रेय दिया जाता है खड़ी बोली का। ठीक है, तो खड़ी बोली का उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक की खड़ी बोली बोलते आ रहे हैं, यानी कौरवी का नाम खड़ी बोली पड़ गया। जैसे एक एक पिक्चर है ना, पिक्चर है दंगल पिक्चर, उसका एक प्रसिद्ध डायलॉग है ना कि मारी छोरियाँ किसी छोरों से कम है के, तो ये जो बोलते हैं एक तरीके से कर्कश बोली, ठीक है, मार रहे डंडा चला रहे टाइप की जो बोली है, उस बोली का नाम है खड़ी बोली। ठीक है, तो पहले इसका नाम कौरवी था, और बाद में क्या हुआ, अमीर खुसरो ने इसको साहित्यिक रूप देना शुरू किया,
परिणाम स्वरूप क्या हुआ, खड़ी बोली जो है वो आज प्रसिद्ध हो गई है। इसको कुछ अन्य नाम के रूप में भी जाने जाते हैं, कुछ अन्य नाम है इसका, तो अन्य नाम बोलते हैं इसको सरल हिंदुस्तानी, ऐसा बोल देते हैं इसको सरल हिंदुस्तानी। तो देखो उस टाइम पर जो भारत में भाषा चलती थी वो यही थी। ये सरल हिंदुस्तानी में क्या हुआ, कौरवी का तो उसमें लैंग्वेज था ही, इसके अलावा क्या हुआ अरबी फारसी के लैंग्वेज भी दिल्ली सल्तनत के समय पर आकर के मिलने लग गए, इसलिए उसको बोलते हैं सरल हिंदुस्तानी। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और नाम है वो भी हम देखें, इसको बोलते हैं सरहिंदी। सरहिंदी ये क्यों नाम पड़ गया, कि उत्तर क्षेत्र में ये हिंदी प्रसिद्ध थे, इसलिए इसका नाम सर यानी कि भारत के सिर के ऊपर है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सरहिंदी। इसी आधार पर क्या हुआ था, एक संत भी थे मुस्लिम संत, उनका नाम था है ना, ठीक है, उसका नाम था सरहिंदी नाम था, मतलब आखिरी में उनके है ना सरनेम के आखिरी में उन्होंने क्या कर दिया था, सरहिंदी शब्द लगा दिया था, इस तरीके से ये प्रसिद्ध भी हो गया। ठीक है, तो सरहिंदी। इसके अलावा इसका नाम है वर्नाक्यूलर, ये नाम हो गया वर्नाक्यूलर। ठीक है, तो वर्नाक्यूलर एक एक्ट पारित हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, जिसके तहत क्या किया गया था, क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर जो पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, समाचार पत्र प्रकाशित होते थे, उनको क्या कर दिया गया, उनको है ना समाप्त कर दिया गया, मतलब उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसको बोलते हैं वर्नाक्यूलर। ठीक है, ये तो तीन नाम इसमें पड़ गया इनका। ठीक है, इसके अलावा इसके बोले जाने वाले की संख्या कितनी है अभी, तो संख्या अभी ज़्यादा नहीं है, है ना, 1.5 करोड़ से लेकर के लगभग 2 करोड़ के आसपास इनकी जनसंख्या है जो वर्तमान में इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें साहित्य का विकास कैसे हुआ है, तो साहित्य में यहाँ पर कविता भी मिलती है, ठीक है, इसमें नाटक भी मिलता है, ठीक है, इसमें कहानी भी मिलती है। ठीक, तो यहाँ सारी चीज़ों का विकास हुआ है इस बोली में, वो है खड़ी बोली। ठीक है, तो खड़ी बोली के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से एक एक चीज़ों को देखा और समझा। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ यहाँ तक कि आपको क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस क्लास के बाद हम डेली के डेली है ना क्या करेंगे, एक एक क्लास हिंदी की डालते चलेंगे और भाषा के स्वरूप को समझते चलेंगे और एक एक क्रम में हम पूरा डिटेल इसका ले लेंगे। ठीक बात है, तो जब तक के लिए अभी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलता हूँ मैं आपको नए वीडियो में, अगले वाले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।